सम्राट चौधरी साहब को याद ही है, एक बड़ा विवाद हुआ जिसमें सम्राट चौधरी को अपनी अपना मुंडन करवाना पड़ा नीतीश को मैंने कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम आपके साथ रहें और हम आपके कुर्सी को खतरा नहीं उत्पन्न करेंगे, हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उन्हें अपना सिर तक मुड़वाना पड़ा। कई फैसले हैं नीतीश कुमार के, जिन फैसलों पर चुनौती एक तरह से खड़ी हो रही है, जैसे शराबबंदी पर संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए, वैसे ही दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे पर अपने बयान दे दिया। और मैं आपको बताता हूँ, जमीन सर्वे के बयान पर या नीतीश कुमार के किसी फैसले पर आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा तो नीतीश बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके बगल वाले मंत्री यहाँ विधायक जी नवीन जी कितना बढ़िया सीखे थे, नीतीश कुमार समझाया वैसे के बाद चुप बैठ गए, दोनों मुख्यमंत्री लाए गए थे नीतीश कुमार से लड़ने के लिए, दोनों बैठ गए, किसी ने नीतीश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक आध जो लोग जो बोले हैं वो कहाँ फेंकाए हुए, आपको पता है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फेंकाए हुए। तो ऐसे ही जिन लोगों का नाम आएगा कि भाई जैसे होटल में कैसे ठहरते हैं, एक चेकलिस्ट मिलता है कि सर साइन कर दिया, सब ठीक था ना सर, बेड सही लगा हुआ था सर, बाथरूम साफ था ना सर, पानी ठीक पिला रहे, खाना ठीक था ना, हॉस्पिटैलिटी ठीक थी ना, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उस तरीके से ये फीडबैक ले लेके जाना होगा। 12 सांसदों की ताकत बड़ी सांसद है, बड़ी बड़ी ताकत है, और उस ताकत को गंवाना नीतीश भी नहीं चाहेंगे और उस ताकत के आड़े आना भाजपा नहीं चाहेगा। अगर जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो लग नहीं रहा है कि महीने भर में ही छुट्टी हो जाएगी इनके अध्यक्षीय कार्यकाल से, नीतीश कुमार भाजपा के मंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन अगर ये अपनी कुर्सी बचाने में सफल भी हो जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पर जो चढ़ जाता है बहुत मुश्किल, अगर बचा भी लेते हैं अपनी कुर्सी तो आप जान लीजिए कि मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, जांच पड़ताल करने बैठे हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अचानक से नीतीश के पाला बदलने की चर्चा उठी और इन सब के बीच में बिहार के नीतीश कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा छिड़ गई है। क्यों मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ रहा है, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना बेचैन है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए? एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री या जदयू की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बातचीत करें, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई दिग्गज नेता ये बयान दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बने 9 महीने हो चुके हैं, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश के कामों को बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार कर रही है। और नीतीश कुमार कहीं जाए नहीं, कहीं भागे नहीं, इसके लिए हर वो पैतरे, हर वो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जिससे नरेंद्र मोदी के सरकार को खतरा ना आए। लेकिन मामला कुछ ना कुछ गड़बड़ा गया है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अचानक से आपने देखा सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन उनकी पगड़ी उतार दी गई, उनका संकल्प तोड़ दिया गया, ये नीतीश को रोकने की ही रणनीति थी। इसके अलावा अभी इसकी शुरुआत है, इसके बारे में चर्चा भी पहले हो चुकी है, कई ऐसे नेता हैं जिनके कुर्सी पर खतरा है, कई ऐसे मंत्री हैं जिनके कुर्सी पर खतरा है। तो क्या नीतीश के आंखों में भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री गड़ रहे हैं? क्या नीतीश का पैटर्न एक बार फिर से 2020 वाला शुरू हो गया है, जब आपको याद होगा संजय जायसवाल तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, नीतीश के अफसरशाही पर कई बयान उन्होंने दिए जिसके बाद नीतीश की नाराजगी बढ़ी और महागठबंधन में वो शामिल हो गए। क्या फिर से ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं? चलिए जांच पड़ताल करवाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, बिहार में कहने के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर खाने में अगर जाइएगा, चर्चा हो रही है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को रास नहीं आ रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या 2020 वाला पैटर्न फिर से शुरू हो गया है बिहार में एनडीए में? देखिए, सबसे पटे नीतीश कुमार का ये जरूरी भी नहीं है और सबसे पटना संभव भी नहीं है जी। संभव नहीं है और जरूरी नहीं है कि बीच में कहीं एक रास्ता निकलता है। अब देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये बता दूँ आपको कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ लोगों को जैसे भाजपा के कुछ पुराने नेताओं को वापस लेकर जो आए थे जी, नंद किशोर यादव जी को लाए थे, प्रेम कुमार को लाए थे, तो वो बड़े संतुष्ट हुए। अब सुशील मोदी तो है नहीं इस दुनिया में और भाजपा सुशील मोदी को यहाँ लेकर आई भी नहीं है, यहाँ लेकर नहीं आई, राज्यसभा जाए तो जो है उसी से नीतीश काम चला रहे थे। नीतीश को नए भाजपाई नेताओं से बहुत पट नहीं रहा है। जैसा कि आपको याद होगा, नीतीश के एक बयान से भी ये बात कंफर्म होती है कि नरेंद्र मोदी को भी नए भाजपाई नेता मानते थे एक समय में,
उन्होंने अटल जी की कई बार बातें की और नरेंद्र मोदी से उनका जो टूतु में जो भी कच्छ मैंने लड़ाई झगड़ा हुआ उन्होंने हमेशा यही कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की बात अलग थी, उनका दौर अलग था। माने जहन में उनके नए भाजपाई नेता जल्दी समाते नहीं हैं। सम्राट चौधरी से आपको याद ही है, एक बड़ा विवाद हुआ जिसमें सम्राट चौधरी को अपनी अपना मुंडन करवाना पड़ा नीतीश को मैंने कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हम आपके साथ रहें और हम आपके कुर्सी को खतरा नहीं उत्पन्न करेंगे, हम आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उन्हें अपना सिर तक मुड़वाना पड़ा। लेकिन सिर मुड़ाए बोले पड़े, अब अध्यक्ष की कुर्सी चली गई, नए अध्यक्ष आए हैं, अब फिर देखिए वही हाल हो गया। आपने कहा संजय जायसवाल का हाल हो गया, आपको याद होना चाहिए संजय जायसवाल के वजह से, एकमात्र संजय जायसवाल कारण थे जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भाजपा को 2020 में 20 के बाद चुनाव के बाद जो सरकार बनी थी उसमें छोड़ा था। जी बिल्कुल। और संजय जायसवाल ने कोई एक मुद्दे पर उनसे विरोध नहीं किया था, नीतीश कुमार के शराबबंदी पर एक लंबी लड़ाई उनके और तत्कालीन समय जदयू में थे उपेंद्र कुशवाहा, बीच में लंबी सीत युद्ध का खुलकर लड़ाई हुई, फेसबुक दूसरे के सामने खुलकर बोल रहे थे, बयान भी दे रहे थे। फिर बिहार में जो क्राइम रेट था उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे संजय जायसवाल, एज इफ कि वो सरकार में है ही नहीं। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय पर सबसे ज्यादा हमला संजय जायसवाल ने किया था उस समय। तेजस्वी भी कंफ्यूज थे कि मैं क्या नौकरी छुपकर छोड़ दूं अपना, नेता प्रतिपक्ष का सब आप ही कर लीजिएगा, आप ही सरकार का हिस्सा भी हैं, आप ही सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तेजस्वी बड़े 6 महीने तक बड़ा असहज हो गए थे कि करें तो क्या करें। और भाजपा की तरफ से या व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को जिस तरीके से टॉर्चर करने लगे थे संजय जायसवाल कई मुद्दों पर, भ्रष्टाचार और क्राइम तो पूछवे मत कीजिए, और ये सारे विभाग नीतीश कुमार के थे या ये फैसले नीतीश कुमार के थे, और उन फैसलों पर सिलसिलेवार हमला करना संजय जायसवाल का इतना भारी पड़ा कि उसकी वजह से सरकार से हाथ धोना पड़ा भाजपा को। और वापसी किस 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 परिस्थितियों में हुई और वापसी कितना महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिए, वो नीतीश कुमार के 12 सांसदों का केंद्र में कितना महत्व है उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा बीजेपी को कि अब सच्चाई यही है कि नीतीश, मैं बार बार कहता हूँ, नीतीश के पास एक वेंटेज पॉइंट है, उस वांटेज पॉइंट को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, लूज करना नहीं चाहेंगे। लड़ जाना, भाजपा से रिश्ता तोड़ देना, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, इससे बहुत तत्कालीन कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार बन जा रही है सरकार गिराने से, लेकिन नीतीश कुमार अगर वर्तमान परिस्थितियों में डोमिनेट करते रहना चाहते हैं तो उसे सरकार में बने रहने के साथ साथ सरकार के लोगों पर चाप चढ़ाए रखना होगा। अब जो खबरें आ रही हैं, भाजपा के कई नेताओं को नीतीश कुमार पसंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उस लिस्ट में सबसे ऊपर उन्हें डाल दिया है भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष को, जो नए नवेले अध्यक्ष बने उन्हीं को मैंने नीतीश कुमार के रडार पर खड़ा कर दिया गया है। हाँ, और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये सियासी चर्चाएं हैं, अधिकारी बात कर रहे हैं, सचिवालयों में चर्चा हो रही है, सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, दिल्ली अप डाउन लगातार संजय जायसवाल कर रहे हैं, कुछ चुनाव तो है नहीं ना, कितना अप डाउन करना पड़े। कई फैसले हैं नीतीश कुमार के जिन फैसलों पर चुनौती एक तरह से खड़ी हो रही है, जैसे शराबबंदी पर संजय जायसवाल ने सवाल खड़े किए, वैसे ही दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे पर अपने बयान दे दिया। और मैं आपको बताता हूँ, जमीन सर्वे के बयान पर या नीतीश कुमार के किसी फैसले पर आप सवाल खड़ा कर दीजिएगा तो नीतीश बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही हुआ जमीन सर्वे वाले मामले पर, जैसे ही संजय जायसवाल ने कहा, शायद उन्होंने कहा कि उल्टा लटका के, दिलीप जायसवाल ने कहा कि उल्टा लटका के पीटेंगे भी जो गलती करेगा, गड़बड़ी कर रहा है, मतलब भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। नीतीश इतना बर्दाश्त नहीं करते हैं, नए अध्यक्ष को शायद जो ब्रीफिंग है वो नहीं दिया गया था। नीतीश जी के नहीं होता, आप मोबाइल लेते हैं, कोई चीज लेते हैं तो आपको साथ में मिलता है मेनू कार्ड, लगता है उनको मिला नहीं या पढ़े नहीं नीतीश कुमार को लेकर। और हाँ, और अगर उनको मैंने थोड़ा प्रोएक्टिव भी होना चाहिए ना, अपना पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, आपसे पहले वाले अध्यक्ष को माथा मुड़वाना पड़ गया नीतीश कुमार चक्कर में। क्या बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को हटाकर पगड़ी खोलेंगे, क्या नीतीश कुमार के सामने ही मायूस होकर पगड़ी खोलना पड़ा। खैर मैं उसमें बहुत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूं आपको कि संजय जायसवाल, माफ कीजिए, दिलीप जायसवाल अनप्रिपेयर्ड लगे अपने पार्टी को लेकर। नहीं, आपने देखा कि पार्टी तो लगातार काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं संगठन के जो लोग हैं वो सदस्यता अभियान की तैयारी कर रहे थे, एक बहुत बड़ा बजट बनाया गया था मीडिया के लिए,
ढाई करोड़ पे खर्च करना चाहती थी भाजपा, सारे एड्स रेडी हो गए थे और रोका गया, अखबारों में विज्ञापन नहीं गया, मतलब इसके पीछे भी कोई कहानी है। ये सब कुछ सर इधर एक हफ्ते के अंदर में हुआ है। हाँ, सब एक हफ्ते के अंदर में, सारा कई बार इस बीच में वो दिल्ली गए हैं संजय जायसवाल कई बार। अब जेपी नड्डा का आना और जेपी नड्डा का बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात करना, दो दिन तक रहना, ये क्या साबित करता है? संजय जायसवाल आए वो छोटे से कारण से थे, वो तो वहां से, माफी, दिलीप जायसवाल, दिलीप जायसवाल नहीं, भी नहीं, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा आए तो थे यहाँ किसी और कारण से, बहुत छोटे कारण से आए थे, लेकिन वो जिस तरह से नीतीश कुमार से मिले, जितना दिन उन्होंने यहाँ बिताया, ये निश्चित ही साबित करता है एक चर्चा जो दिल्ली में खूब हो रही थी कि सरकार बचाने गए हैं जेपी नड्डा, गए हैं कि जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों माफ कीजिए। आप देखिए कि बीच में माथा को मैंने छिलवाने के बाद सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार के प्रो हो गए हैं, नीतीश कुमार के एकदम वास्तविक उत्तराधिकारी के तरह उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनकी हर बात में सजामंदी दे रहे हैं, हर बात पीछे खड़े नजर आते हैं, कोई विवाद नहीं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो जान गए कि नीतीश के रहमो करम पर ही उनकी भी कुर्सी अब है। अब कहीं पे भी अगर पोस्टर में नाम नहीं है तो नीतीश ही डलवा रहे हैं। हाँ, सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, और देखिए सोशल मीडिया पे थोड़ा लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी भी हो गई है सम्राट चौधरी की, अब बहुत खुलकर बहुत कुछ बोलने वाले मोड में नहीं है वो। पार्टी ने ऑब्वियसली उनको प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया और उसका एक बहुत बड़ा कारण नीतीश कुमार थे, तो उन्हें समझ में आ गया कि जब नीतीश कुमार की वजह से रहना जाना है तो उनके साथ है, जब पंडिते की पूजा करने पर मंदिर में एंट्री है, मंदिर में एंट्री मतलब मकसद पूरा हो जाना, तब भगवान की पूजा क्यों करें, पंडिते की पूजा करेंगे, ये उन्होंने मन बना लिया। और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उस एक बुरे एक्सपीरियंस से एक अच्छा सबक सीख गए बिहार की राजनीति में, जो बाकी मंत्री भी बिहार में सीखे, जैसे कि आपके बगल वाले मंत्री यहाँ विधायक जी नितिन नवीन जी, कितना बढ़िया सीखे थे, नीतीश कुमार समझाया वैसे के बाद चुप के बैठ गए, दोनों मुख्यमंत्री लाए गए थे नीतीश कुमार से लड़ने के लिए, दोनों बैठ गए, किसी ने नीतीश के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। एक आध जो लोग जो बोले हैं वो कहाँ फेंकाए हुए, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फेंकाए हुए हैं। खैर, इस लिस्ट में दिलीप जायसवाल का नाम डालने की तैयारी शुरू हो गई है। अच्छा, दिलीप जायसवाल से क्या गलतियां हुई हैं, एक एक करके उन गलतियों पर चर्चा करते हैं। गलती क्या, मतलब जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि भाजपा के नेतागण भी बहुत खुश नहीं है जो उनके चयन से, वो भी एक लिस्ट बनाकर गए हैं इनके खिलाफ जो पुराने मामले थे, मैं उस पर डिटेल में नहीं पढ़ूंगा कौन कौन से मामले, लेकिन जान लीजिए कि इनके खिलाफ कुछ पुराना मामला था, उन मामलों को लेकर मैंने चाहे दंड विद्या में हो या कहीं हो, उन मामलों को लेकर ये लोग गए थे भाजपा। हाँ, भाजपा कुछ किए थे कार्यालय दिल्ली और वहाँ मुलाकात की थी इनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए। अब बेसिक डिटेल उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा कि क्या मामला था क्या नहीं मामला था, ये उन्होंने अपने जो कहा सकता है चुनावी जो होता है घोषणा पत्र, उसमें उन्होंने दाखिल कर रखा है, आप जाकर देखिए। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनके विभाग में जो विभाग इनको मिला हुआ है बिहार सरकार में, उस विभाग, हाँ उस विभाग को लेकर भी लगातार कई बार विवाद उत्पन्न हो रहे थे। जिस विभाग के ये हैं उसी विभाग से जुड़ा हुआ है जमीन सर्वे का काम भी, और आपको याद होगा जमीन सर्वे वाले मामले पर इन्होंने बहुत मुखर होकर कुछ बातें कही हैं, जिन बातों से नीतीश कुमार ना तो खुश होंगे ना इत्तेफाक रखेंगे। और अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जमीन सर्वे का काम नीतीश सरकार रोक रही है, या कम से कम रोकने की तैयारी चल रही है, ऐसा खबर आ रहा है, कंफर्म पुष्ट खबर। तो नीतीश कुमार जिस जो चाहते थे, जिस पैटर्न पर जमीन सर्वे हो, वो नहीं हो पा रहा था। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि सच है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, उसी तरीके बिहार में जमीन सर्वे भी एक बहुत बड़ा माथा का कोड़ हो गया है। जमीन सर्वे आप कराने जा रहे हैं, आपका इसी साल चुनाव भी है, कितनी बड़ी गलती सरकार कर रही है। सरकार अगर मोदी जी नोटबंदी करा के उसी साल चुनाव करा लेते हैं, उसी साल हार जाते हैं, बिल्कुल हार जाते हैं। अगर केवल शराबबंदी के खामियों के चलते नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जाएंगे तो कभी जीवन नहीं जीतेंगे। लेकिन सच्चाई है कि नीतीश के जहां शराबबंदी के घाटा तो वहीं कुछ कुछ फायदा भी है, उस तरह के जमीन सर्वे की बात है जहां इसका फायदा है, वहीं इसका राजनीतिक नुकसान बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। और इसे नीतीश कुमार के समक्ष जब अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी जब जाकर नहीं बोल रहे हैं, आप कहे जबरदस्ती हीरो बनने गए, संजय जायसवाल से सीखना चाहिए था, सम्राट चौधरी सीखना चाहिए था, दिलीप जायसवाल के बोलने की वजह से दिलीप जायसवाल उनके रडार पर आ गए। और खबर यह आई कि जेपी नड्डा के आने के बाद, जेपी नड्डा के साथ ये गए तो अंदर नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन तुरंत ही इन लोगों सभी लोगों को बाहर कर दिया गया था या बाहर आ गए थे, उसके बाद जो 4 घंटा 5 घंटा बातचीत हुई
पाँच घंटे चार घंटा क्या बात होगी? पाँच घंटे तक चर्चा चली नीतीश कुमार जी पी नड्डा के बीच में। क्या चर्चा चलेगी? क्या है सब बटन दबा के रिमोट से वो उठाने के लिए थी पर्दा? नहीं, निश्चित ही सरकार को लेकर एक गहन चिंतन हुआ है। ये एक पीरियोडिक सिस्टम बन गया है कि हर दो तीन महीने पे भाजपा का एक बड़ा नेता आएगा, संभवतः जेपी नड्डा। और चूंकि अमित शाह से तो पटने जा नहीं रहा बहुत नीतीश कुमार का, तो जेपी नड्डा आए और वो नीतीश कुमार की खैर खबर लें, उनकी खुशियां और नाराजगियों को जाने, एक फीडबैक ले कि सर सब ठीक काम कर रहा है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था, अरे वो है वो देखिए ना कुछ कुछ करता है। तो ऐसे ही जिन लोगों का नाम आएगा कि भाई जैसे होटल में कैसे ठहरते हैं, तो एक चेकलिस्ट मिलता है कि सर साइन कर दिया, सब ठीक था ना सर, बेड सही लगा हुआ था ना सर, बाथरूम साफ था ना सर, पानी ठीक पिला रहे, खाना ठीक था ना, हॉस्पिटैलिटी ठीक थी ना, कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, उस तरीके से ये फीडबैक ले लेके जाना होगा। 12 सांसदों की ताकत बड़ी सांसद है, बड़ी बड़ी ताकत है, और उस ताकत को गंवाना नीतीश भी नहीं चाहेंगे और उस ताकत के आड़े आना भाजपा नहीं चाहेगी। और इसी जगह फंसा हुआ है भाजपा का ये पूरा पेच। अनलेस कि भाजपा 12 सांसदों की कहीं व्यवस्था कर ले, जो कि जदयू से तो संभव नहीं है करना, तब तक नीतीश कुमार के चरण वंदन करना पड़ेगा। और जो उनके रडार पर आएगा, उसके उनके रडार पर आते ही उसकी छुट्टी लगभग तय सी हो जाती है। अब आप मुझे बताइए कि और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार और उनके बीच में विवाद हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में या फिर सर उनके अफसरों के बारे में किसी भी मंत्री को बोलना बड़ा भारी पड़ जाता है। देखिए, इसी बीच में एक बड़ी जानकारी हुई है कि एकदम कंफर्म सोर्सेस से मुख्यमंत्री नड्डा जी और सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात हुई थी। इन तीनों की मुलाकात हुई थी और बहुत लंबी बात हुई थी, उस दौरान ये लोग थे साथ में, और इन तीनों की बात जो हुई उसमें अध्यक्ष नहीं थे। अच्छा, अध्यक्ष की गैरहाजिरी में ये हुआ था। चार पांच घंटे की मुलाकात हुई थी इन सबकी। तो वही मतलब कह रहे थे कि अगर अधिकारी के बारे में कोई भी मंत्री बोलता है नीतीश के अधिकारी के बारे में, तो मतलब तुरंत दुश्मनी हो जाती है, इंस्टेंट एनिमिटी। अगर नीतीश के मंत्री किसी भी अधिकारी के बारे में आप बोल देते हैं तो तुरंत दुश्मनी हो जाएगी। दुश्मनी क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा ना कितना बड़ा पुल गिरा। तेजस्वी यादव आकर पूरा ब्लेम झेल गए। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये अधिकारी था, इस अधिकारी के रजीम में दो बार गिरा है, इस अधिकारी का खैर नहीं। कैसे खैर नहीं बोल दीजिएगा? आप ही का खैर नहीं। उनके पीछे तो ईडी, सीबीआई, सब नीतीश कुमार के साथ। अब बताइए, मैंने अब ये तो हाल है बिहार के, जो जो राजा को पसंद है, जिसका चेहरा, जिसका चाल ढाल, जिसका बातचीत, वो भगवान है। और जिसको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं वो सोना का अंडा भी दे देगा ना, तो डस्टबिन में कहीं फेंकाया मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक दो लिस्ट नहीं है, ये तो चर्चा लंबी हो जाएगी। गठबंधन में ऐसा होता है, जो भी अधिकारी है उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में चर्चा होती है। अच्छा, एक और बड़ी गलती इनसे हुई जी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। अशोक चौधरी को हटा दिया जाएगा, मंगल पांडे को हटा दिया जाएगा, नए मंत्री में प्रिंस राज बनेंगे, चिराग पासवान की तरफ से कोई नाम आ सकता है, बहुत तरह की चर्चाएं हुई। कौन सच है कौन सच नहीं है इसमें घुसने की बात अभी कोई मतलब नहीं बनता है। ये जरूर है कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़े संकुचित रहते हैं, वो ये बातें सबको बताते नहीं हैं। और नीतीश इसी आधार पर मैसेज देते हैं। जब पिछली बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी और मंत्रिमंडल विस्तार में आरसीपी बने थे, तो बिहार आकर उन्होंने टोटल जदयू के नेताओं को भर दिया। यहाँ तक कि पशुपति पारस, पशुपति बोल रहा हूँ, किसको बनाया था उन्होंने? कहीं ऐसे उन्होंने पशुपति पारस को तो बिहार में बनाया था, एलजेपी तक को बना दिया, लेकिन भाजपा के किसी मंत्री को नहीं जोड़ा उसमें। ये मैसेज नीतीश कुमार का, कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल नीतीश के हिसाब से बनेगा, काम नीतीश के हिसाब से करेगा, विभाग नीतीश कुमार के हिसाब से चलेंगे, विभागों के जो सचिव हैं वो नीतीश कुमार के चुने गए होंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप टोक नहीं सकते हैं, आपका काम है उस विभाग में जाना, अगरबत्ती दिखाना और शाम में घर आकर चैन से बिना शराब पिए सो जाना। ये भी नहीं कि आके मैंने उतना कष्ट कर गुट पी लिए तो उसमें भी बाहर वही कवर नहीं जाना चाहिए, नीतीश तक लीक नहीं होना चाहिए। नहीं, वो लीक नहीं होना चाहिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर इन्होंने बयान कल दे दिया था कि जो बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, उमेश कुशवाहा के साथ मीटिंग कर पहले बयान दिए हैं, फिर बयान से वापस पलट गए। मतलब ये स्पष्ट है कि इस बयान को देने के बाद किसी ने उन्हें एहसास कराया कि ये आपका अधिकार नहीं है, आप वो चेक मत भरिए जिसमें आपका सिग्नेचर फॉल्स हो जाएगा, जिसमें सिग्नेचर किसी और का लगता है,
वो चेक मत भरिए। तो शायद उसके बाद वापस उन्होंने अपने बयान को कर लिया, लेकिन खुद चूंकि मंत्री हैं और तलवार तो ये भी लटकी हुई है कि इनके बिहार में मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बयान दे दिया है भूमि सर्वे को लेकर, और नीतीश जी बहुत खुश नहीं है विभाग के संचालन को लेकर। नीतीश जी की आपत्तियाँ हैं और इनकी आपत्तियाँ अधिकारियों के व्यवहार पर है, और एक वैसे भी एक व्यक्ति एक पद का सिस्टम है भाजपा में, तो इनकी छुट्टी मंत्रालय से हो सकती है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इनके दिए गए बयान से आपत्ति नीतीश जी को हुई है, और इस वजह से भी एक बड़ा जो तलवार है इनके ऊपर लटकता नजर आ रहा है। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो लग नहीं रहा है कि महीने भर में ही छुट्टी हो जाएगी इनके अध्यक्षीय कार्यकाल से, नीतीश कुमार भाजपा के मंत्री अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन अगर ये अपनी कुर्सी बचाने में सफल भी हो जाते, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर पर जो चढ़ जाता है बहुत मुश्किल, अगर बचा भी लेते हैं अपनी कुर्सी तो आप जान लीजिए कि मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी, दोनों जा सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों जा सकता है। और अभी मुझे जहाँ तक खबर मिली है इन्हें वापस फिर दिल्ली बुलाया गया है, भाजपा शीर्ष नेता तो इनसे बातचीत करेगा, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी, सदस्यता अभियान को फिलहाल मतलब जो उसका प्रमोशन है वो रोक दिया गया है, दैट मीन्स कि कोई मेजर अपडेट दिल्ली से बिहार के लिए आ सकता है। एक सर एक और चर्चा है कि जब भूमि सर्वेक्षण को लेकर के नीतीश कुमार ने आदेश दिया था कि सर्वेक्षण होगा बिहार में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अफसर से लेकर मंत्री जो भी हैं वो तैयारी पहले कर ले, जल्दबाजी में नहीं करना है, एक बैठक करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दबाजी में भूमि सर्वेक्षण का काम अचानक से शुरू करा दिया, तैयारी नहीं हो पाई, कागज नहीं मिल रहे हैं, कई सालों से कागज गायब है फाइलों के, तो वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए मतलब नाराजगी बढ़ गई है मुझे लगता है नीतीश कुमार की। देखिए ये आसान काम नहीं है और ये एक साल में होगा भी नहीं, या 6 महीने या 2 महीने में होगा नहीं। भूमि सर्वे एक बहुत बड़ी सतत प्रक्रिया है, इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खतियान और सारे लूप्स को सरकार को खुद ही एक एक्सपेरिमेंटल फेज में जैसे दवाइयों का परीक्षण होता है ना उस तरीके से करके रखना होगा, ताकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंड यूजर को समस्या ना हो। आपको पता है एप्पल के प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, साथ में उसका OS 18 आया है, इससे पहले आपको पता होगा कि एक बीटा फेज में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल ने लगभग साल भर से रोल आउट किया हुआ है, तो इस दौरान यूजर एक्सपीरियंस के नाम पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत तरह के सर्वेज हुए हैं, उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जाता है जनता के बीच में, उसमें भी फिर भी कई बग्स निकलते हैं जी। तो उसका वर्जन पैच निकलता है जो पैच करके किसी तरह से उसको ठीक कहता है। तो अगर सरकार की ताकत जनता ही है, जनता ही ताकत देती है, वोटर्स ताकत देते हैं, तो ऐसे फैसले अगर वोटर्स को ही डिस्टर्ब कर देंगे तो वोटर्स का प्यार आपके प्रति कितने दिन तक रहेगा। नीतीश जी को भी ये बात समझनी चाहिए, और ये बात नीतीश कुमार को समझाने की ताकत मुझे लगता है कि उनके किसी सहयोगी के पास फिलहाल नहीं है। आप देखिएगा ना, इतना बढ़िया चिराग पासवान सब बात पे बोल रहे हैं, क्रीमी लेयर फलना ढिमका, जमीन सर्वे पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट टेक दैट रिस्क जो बीजेपी ले रही है लगातार। जदयू का कोई नेता मंत्री नहीं बोला, लेकिन बीजेपी लगातार बोलती है, बीजेपी बोलेगी तो बीजेपी की झेलेगी। चलिए देखिए, जांच पड़ताल हम कर रहे थे दिलीप जायसवाल को लेकर के, एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा तेज है कि दिलीप जायसवाल के मंत्री पद तो जाएंगे ही, उनका प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी भी खतरे में है, और बीजेपी नीतीश को रोकने के लिए, जैसा कि पूर्व में हमारे संपादक सर ने भी बताया कि बीजेपी नीतीश कुमार को NDA से भागने से रोकने के लिए हर वो पैतरे हर वो तंत्र आजमाने के लिए तैयार है, जिससे नीतीश की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार बच जाएगी। क्या होता है आगे, जांच पड़ताल लगातार हम करते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।